इन दिनों दमन में बिजली के बिल में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस पर उमेश पटेल ने कलेक्टर से मुलाकात कर बिजली के बिल में लगातार हो रही बढ़ोतरी और मामलतदार और बीडीओ द्वारा नए एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए एनओसी मांगे जाने पर किया कड़ा विरोध और जल्द ही इस समस्या का निवारण लाने हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्ताव भी रखा। आपको आज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। क्या आप सबने हमारे इलेक्ट्रिक लाइट बिल जो आते हैं उसको देखा है क्या? क्या आप लोगों ने वो नोट किया है 2-3 महीने से क्या आपका लाइट का बिल कितना बढ़ गया है? इंडस्ट्री में तो 10-10 गुना लाइट का बिल बढ़ गया है। चलिए इंडस्ट्री की बात नहीं करते हुए डोमेस्टिक की बात करते हैं। आप सबका लाइट का बिल 2-2 गुना या 3 गुना हो गया होगा। बहुत ही परफेक्ट रूप से इलेक्ट्रिक वालों ने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने लूट मचाई हुई है। पहले रेट बढ़ाए, यूनिट के रेट बढ़ाए, फिर क्या किया, अभी हमारे मेरे लाइट बिल में मैं बता रहा हूं 10% जितना पीपीसीए चार्जेस डाल दिए। अब मीटर जितना भी कंज्यूम करोगे उस पर 10% एरियस भरना है, यानी लाइट के बिलों में 10 गुना बढ़ोतरी रेट बढ़ाने के बाद भी आ गई। अभी क्यों आ गई? जेईआरसी में मैं मीटिंग में था, किसी भी प्रकार की डोमेस्टिक वगैरह में बढ़ोतरी की बात नहीं हुई थी। तो ये बढ़ोतरी कैसे हुई? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जानबूझकर षड्यंत्र के तहत लोगों से पैसा लूट रहा है। दमन की जनता को जागने की आवश्यकता है। दूसरी बात, लाइट कनेक्शन में भी जेईआरसी ने कहा था कि इजी से इजी बनाओ। अभी मैं आज कलेक्टर को मिला और एक हैरान करने की बात थी, नए कनेक्शन के लिए एग्रीकल्चर में अभी एनओसी मांगी जा रही है डॉक्यूमेंट के साथ, वीडियो की, मामलेदार की या एग्रीकल्चर की। अब वीडियो में जाओ और मामलेदार में जाओ और एग्रीकल्चर में जाओ तो वो कहते हैं हम लोग ऐसी कोई एनओसी नहीं देते, और इन्होंने ये लेटर दे रखा है कि इसमें से एनओसी बिना आपको ये लाइट कनेक्शन नहीं मिलेगा। पंचायत की एनओसी नहीं चलती है। तो आज मैं कलेक्टर को मिला, उनसे रजूआत की कि सर ये क्या हो रहा है, वीडियो मामलेदार और एग्रीकल्चर एनओसी नहीं दे रहे और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट उनकी एनओसी के बिना लाइट कनेक्शन नहीं दे रहे। कलेक्टर जी ने मेरी बात को सुना और लेटर को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हो जाएगा, ये लाइट बिल आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी और बढ़ से बढ़ जाएंगे, तो आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। दमन की इंडस्ट्रियों में बहुत ज्यादा लूट मचाई हुई है, वैसे ही हमारी जयपुर भी दमन की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लूट मचा रहा है, उसकी जांच कीजिए और उस पर कार्यवाही जरूर करें और कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस में कंप्लेंट करें। अभी भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने ग्रीवेंसेस का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया, फिर भी आप लोग चुप ना बैठ कर उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जानबूझकर बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी फर्ज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग तय कीजिएगा, पर आपके लाइटों के बिल भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो चुकी है जिसकी जांच करना अति आवश्यक है और आप लोग सचेत रहें, बस यही कहना है। धन्यवाद।